अधिवक्ता संघ का नायब तहसीलदार पर विरोध देखने को मिल रहा है। जी हां, दो दिन पूर्व नायब तहसीलदार ताला नागेंद्र त्रिपाठी एडवोकेट राम बहोर परोहा पर जूता मारने के लिए दौड़े थे और अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिसको लेकर अधिवक्ता संघ अमरपाटन द्वारा आज प्रदर्शन किया गया है। साथ ही मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नायब तहसीलदार को हटाने की मांग की है। वहीं वकीलों का आरोप है कि नायब तहसीलदार द्वारा विद्वान सीनियर वकीलों को पेशी के दौरान पहले वहां से भाग जाने को कहा, फिर बहस के दौरान अपशब्दों का प्रयोग किया गया, साथ ही जूता मारने की बात भी कही और जूता लेकर वकील के पास दौड़ाए। इस घटना को लेकर सभी वकील लामबद्ध हुए और 3 दिवस में कार्यवाही की चेतावनी देते हुए कलेक्टर वाइस GM को ज्ञापन सौंपा है। जी हां, तो वहीं लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पहला मामला नागौर तहसील अंतर्गत यादवेंद्र सिंह पूर्व विधायक के साथ अभद्रता की थी, जिसके बाद दूसरा मामला पत्रकार और जनपद सदस्य सांसद प्रतिनिधि नागेंद्र सिंह करमऊ रामपुर बाघेलन के साथ गाली गलौज और लाठी डंडा मारने के साथ मामला संज्ञान में आया था और प्रशासन ने 15 दिनों तक कलमबद्ध हड़ताल किया था। तो वहीं इन्होंने SI के साथ अभद्रता भी की थी, जिसके बाद चौथा मामला 5 लोगों के खिलाफ मनमाने तरीके से मुकदमा लगाकर मारपीट का मामला सामने आया था। तो वहीं 5वां मामला जो वर्तमान में ही शुरुआत पकड़ लिया है, वकील के साथ अभद्रता और जूते मारने की बात सामने आ रही है। एक तारीख की घटना है, 1 तारीख को हमारे विद्वान अधिवक्ता राम बहोर परोहा जी नायब तहसीलदार ताला के न्यायालय में एक प्रकरण में उपस्थित होने गए थे, तो नायब तहसीलदार ताला ने डेस्क में बैठ करके और वकील के साथ में अभद्रता की। अभद्रता से ज़्यादा वो बोर्ड में बैठे बैठे जूता उतार कर मारने दौड़े। इस घटना के खिलाफ हम लोग आक्रोश में हैं और आज हम लोग यहाँ पर SDM अमरपाटन को ज्ञापन देने आए हैं। अगर 3 दिवस के अंदर उस नायब तहसीलदार को सस्पेंड नहीं किया गया तो हम लोग न्यायालय राजस्व न्यायालय का बहिष्कार करेंगे और जिस तरह हमारे वकील के साथ उन्होंने किया है उस तरह हम लोग भी उसी आंदोलन में साथ में रहेंगे और उसको हम लोग अपने बताएंगे कि हम लोग अधिवक्ता एकता में कितनी ताकत रखते हैं। आज नहीं है सर, 1 तारीख की घटना है। मैं ताला प्रकरण में पैरवी करने गया था, पक्षकार जो है तो मेरे को ले गया था, वो हमने न्यायालय के पास अपना पक्ष रखा, वकालतनामा दिया तो उन्होंने वकालतनामा फेंक दिया, बोले मैं आपको थोड़ी बुलाया हूँ। मैंने कहा कि पक्षकार जो है तो अधिवक्ता नियुक्त करता है, जब वो अपना पक्ष नहीं रख सकता तो मेरा वकालतनामा ले लिया जाए। उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए नहीं बुलाया है और जो है तो इसमें एक पंचनामा बनाए थे, उसमें कई बोले कि इसमें हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया इसे और ये बेईमानी करते हो, तो हमने कहा बेईमान मत बोलिए सर हमें। और इसके बाद हमने कहा कि ये प्रकरण सिविल में चल रहा है तो सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान को नहीं रह जाता, तो उन्होंने जो है तो कहा कि हट जा चूतिया, यहाँ से जूता मारूंगा और उठ के डेस्क से मतलब बोर्ड से और जूता उन्होंने उतार लिया। और इसके बाद मारने के लिए जैसे ही उठे तो मतलब उठ गए तो और पास आने लगे तो राजू गुप्ता सीनियर वकील साहब थे, तो उन्होंने जो है तो उन्हें रोका और बोला कि इस एक अधिवक्ता के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और वहाँ 4-6 व्यक्ति थे जिन्हें मैं पहचानता नहीं, एक को पहचानता हूँ, तो मैं मेरे को पकड़ के मतलब बोर्ड के कोर्ट के अंदर से घसीटने लगे और वह कमलेश पांडे करके एक व्यक्ति था, उसने मेरा गला पकड़ के कालर पकड़ के और बाहर खींच लिया कोर्ट परिषद के और बोला कि इस प्रकरण में अगर पैरवी करने आएगा तो तेरे को जमीन में गाड़ दूंगा और इस प्रकरण में पैरवी नहीं करेगा और जो है तो जो उखाड़ना हो मेरा उखाड़ लेना। हाँ, अभी अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और अधिवक्तागण आए हुए थे, उन्होंने ज्ञापन भी दिया है और ताला नायब तहसीलदार के खिलाफ कि कोर्ट में अधिवक्ताओं के संग उनका दुर्व्यवहार अक्सर हुआ करता है, तो एक उन्होंने उद्धरण भी दिए यहाँ अधिवक्ता गणों के बीच में से, ये मेरे संज्ञान में आया है और मैं दूसरे पक्ष यानी नायब तहसीलदार जिनके विरोध में अधिवक्ता संघ आए हुए थे, इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल उनसे स्पष्टीकरण लूँगा और इस संबंध में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पे अगर उनमें उनकी कोई गलती नज़र आती है तो युक्तियुक्त दांडी कार्रवाई उनके विरुद्ध प्रस्तावित की जाएगी। सर, इनके द्वारा कई 4 मामले आ चुके हैं जिले में और 5वां मामला सामने आ रहा है, क्या आगे कार्रवाई में द्वारा इसी तरह लगातार? पिछले मामले क्या थे ये तो बहुत मेरे ज्ञान में नहीं है,
लेकिन अभी वर्तमान में अभी जो मामला सामने आया है तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण शीघ्र लेते हुए युक्ति कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय को यहाँ से प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।